तो कैसे हैं आप लोग? ये जो आप 2 HP का मोटर देख रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो हम आपको बताते हैं। कि जैसे देखिए, ये जो मोटर है या कभी जो है अपने आप चल जाता है, कभी जो है हम इसे जो है उल्टा की तरफ घुमाते हैं तब चलता है, कभी सीधा की तरफ घुमाते हैं तब चलता है। और दूसरा बात इसमें होता है क्या कि इसका एम्पियर करेंट जो है, या करेंट इसका अच्छी नहीं रहता है, कभी इसका करेंट घट भर जो है हमेशा इसका करेंट भी होते रहता है। जैसे देखिए, और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए हम इसको इतना पे मान लीजिए अगर घुमा दिए तो यह कभी कभी अपने आप चलने लगेगा, और मान लीजिए इस सामने से अगर इसका जगह चेंज हो जाता है तो यह फिर नहीं चल पाता है। तो इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम ऐसा, अगर भी आपको कोई प्रॉब्लम मोटर में दिखता है तो आप समझ जाइए कि मोटर का जो है रोटर ख़राब हो चुका है। अगर ऐसा कोई भी मोटर हो, या सिंगल फेज का मोटर हो या 3 फेज का मोटर हो, अगर इस टाइप से प्रॉब्लम आता है तो उसमें जो है रोटर ख़राब हो चुका होता है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, हम इस मोटर के लिए जो है एक अलग से हमने नया मोटर रोटर जो है मंगवा लिया है। देखिए, यह हम एक नया रोटर जो है मंगवा लिए हैं इस मोटर के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आपको जो है बताते हैं इस मोटर को चलाकर, अभी मोटर कसा हुआ है, हम इसको बताते हैं चलाकर कि आखिर इसमें जो है यह प्रॉब्लम सही में ऐसा हो रहा है या नहीं। देखिए, लाइन में लग गया। देखिए, मोटर जो है अभी तो चल गया। देखिए, कभी इसको निकाल के अगर चलाया जाएगा तो कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। देखिए, यह बंद हो गया, फिर निकाल के चलाया, हो सके अभी चल भी जाए ना भी चले। देखिए, अभी तो यह चल गया, लेकिन अगर इसका मान लीजिए कि जैसे हम आपको बताए कि अगर उस जगह चेंज होने पर जो है यह चल जाएगा, लेकिन अगर यहाँ इस सामने से रोटर ख़राब है, जैसे मान लीजिए इस सामने अगर रोटर ख़राब है, अगर इस सामने जो है पोल जो है अगर नहीं बन पाता है तो वहाँ जो है मोटर नहीं चलेगा। तो जैसे अभी देखिए, जहाँ जो है इसका जगह जो है चेंज हो गया है, इसलिए मोटर चल गया है। अगर मान लीजिए हम इसको फिर ऐसे कर दे, अलग जगह इसका चेंज कर दे जहाँ पे जो है इसका पोल नहीं मिलता है, तो यह मोटर जो है नहीं चल पाएगी। देखिए, इसका एम्पियर कैसे घट भर हो रहा है। मोटर यहाँ देखिए अब चल रहा है, ऐसे भी आप देखे हैं कि यह उठते समय जो है कैसे थोड़ा सा रुक के उठ रहा है, और इसका एम्पियर आप देख सकते हैं कि कैसे घट भर हो रहा है। देखिए, 3 एम्पियर से या 6 एम्पियर के बीच में चला जा रहा है। देखिए 3 से 6 के बीच में चला जा रहा है। देखिए, अगर फिर हम इस सामने, देखिए हम दाग लगा के रखे हुए हैं, अगर इसके सामने हम ले जाते हैं तो यह दिक्कत से उखड़ेगा। ऐसे देखिए, ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उस समय उखड़ जाता है, लेकिन अगर वोल्टेज आपका अगर थोड़ा कमता है तो उस समय जो है नहीं स्टार्ट होता है। जैसे कि देखिए, हम इस सामने अभी दाग लगा के यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इस सामने जो है हम एक दाग लगा लिए इसलिए कि हम पता चल सके हमें कि किस सामने जाके यह प्रॉब्लम है। तो इस सामने जो है जाके देखिए, यहाँ हम दाग लगाए हैं तो दूसरा नंबर के सामने जो है यहाँ दिक्कत कर रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लाइन लगाएंगे तो ऐसे जो है यह मोटर थोड़ा सा थरथरा के उखड़ेगा। देखिए थोड़ा सा यह थरथरा के उठ रहा है, और इसका एम्पियर जो है हरदम जो है घट पर देखिए, यह एम्पियर जो है इसका घट पर होते रहेगा। देखिए, 3 एम्पियर से 6 एम्पियर के बीच में इसका घट पर हो रहा है। तो चलिए, हम इसको बाद अब क्या करते हैं, हम नया रोटर लगाते हैं, उसके बाद हम फिर आपको इस मोटर को चलाकर दिखाते हैं कि यह मोटर जो है सही चल पा रहा है या नहीं। तो देखिए, इस मोटर का जो है हम रोटर यहाँ पे बाहर कर लिए हैं। देखिए, और इसका कॉइल देखिए, कॉइल में कहीं से आपको कोई गड़बड़ी नहीं देखेगा। कॉइल जो है दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, कॉइल जो है इसका पूरा चकाचक है। देखिए, कहीं से कॉइल में कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रोटर में खराबी कहाँ है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसमें मात्र एक जगह पर खराबी है। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, यह जो है यहाँ का जो है पत्ती जो है अंदर से गल चुका है। जो पत्ती आर पार जो इसमें ठोका हुआ रहता है, वो पत्ती जो है यहाँ से गल चुका है, जिसके कारण से जो है यह प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है नया जो हमने रोटर लाया है, इसमें बैरिंग जो है ठोका रहा है। बैरिंग ठोकने के बाद जो है हम इसमें ये असेंबल करेंगे इस रोटर को, उसके बाद जो है फिर आपको चला कर दिखाते हैं। तो देखिए, रोटर ख़राबी जो है इसी तरीके से होता है। कोई भी रोटर अगर आपको भले दिखे या ना दिखे, लेकिन रोटर जब भी ख़राब होता है तो उसका पत्ती जो होता है, जो आर पार दिया हुआ रहता है, वो पत्ती जो है आपस में कोई अगर एक भी पत्ती छोड़ दे तो यह मोटर में जो है प्रॉब्लम होने लगता है। ऐसे में आपका मोटर जो है हीट होकर मोटर जल भी सकता है। तो चलिए, हम इस रोटर में बैरिंग ठोकते हैं, सब चीज़ लगाते हैं, उसके बाद हम आपको चला कर दिखा रहे हैं। तो देखिए, इसमें नया रोटर लग गया है। यहाँ पुराना वाला रोटर आप देख सकते हैं, इसमें हम नया रोटर लगा दिए हैं।
अब चलिए हम इसको चालू करके आपको दिखाते हैं कि इसका एम्पियर जो है रुकता है या नहीं, और उसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जैसे देखिए हम यहाँ चीना दागी जो लगाए हुए है, इस दागी से हम दो घाट जो अगर इधर करके रखते थे तो यह जो है थोड़ा सा थरथरा कर चालू हो रहा था। अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ दो घट का आगे रखे हुए हैं, आप देखते हैं कि यह थरथरा के चालू होता है या डायरेक्ट चालू हो जाता है, और एम्पियर जो है घट पर होता है या एक आपसे एम्पियर रहता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यह कहीं भी थोड़ा भी नहीं थरथराया, और हम जैसे ही इसमें लाइन दिए वैसे जो है मोटर स्टार्ट हो गया, और इसका एम्पियर यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्पियर जो है इसका एक आपसे तीन एम्पियर जो है रह रहा है। उस समय क्या होता था कि तीन एम्पियर से लेकर छः एम्पियर के बीच में जो है यह घट भर होते रहता था, अभी जो है यह तीन एम्पियर जो है रह रहा है, ये 2.9 तक जा रहा है, यानी कि जो है यह पॉइंट में एक दो है जो यह वोल्टेज के कारण जो है घटभर होते रहता है। फिर से हम आपको लाइन निकाल के जो है एक बार और लगा कर आपको चला रहे हैं। देखिए हम दो खटका इधर करेंगे, देखिए निशान लगाया हुआ था उससे दो खटका पर यह थरथराता था, फिर से हम दो खटका पर लगा दिए, और फिर आपको हम चला कर दिखाते हैं। देखिए अब थोड़ा भी यह थरथरा नहीं रहा है, लाइन जैसे ही इसमें दिया जा रहा है कि मोटर जो है स्टार्ट हो जा रहा है, और इसका एम्पियर जो है कहीं भी घटभर थोड़ा भी घटभर नहीं हो रहा है, या तीन एम्पियर जो है हरदम रह रहा है 2.9 और 3 के बीच में जो है 0.1 जो है वोल्टेज के कारण घटभर हो रहा है। तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, अगर ऐसा कोई भी बीमारी आता है मोटर में तो आप लोग समझ जाइएगा कि इसका रोटर ही खराब है। तो चलिए हम इस वीडियो को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं।